हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर हदी हेयर। आज बायोलॉजी फर्स्ट ईयर किंगडम फंजाई से एक लेक्चर नंबर 4 आपके सामने पेश किया जा रहा है और टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। ये टॉपिक खासकर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि स्टूडेंट्स को के सामने जब ये क्वेश्चन आ जाए तो पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना है। और MCQs में जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं, कोई एंट्री टेस्ट का हो या कोई MCAT का हो, तो वहाँ पर MCQs के लिए भी ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन के लिए, पेपर अटेम्प्ट के लिए इस टॉपिक को हम किस तरह तैयार करते हैं, तो शुरू करते हैं। जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के अंदर आते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फंजाई को जब हमने क्लासीफाई किया ग्रुप्स में तो किस चीज़ को सामने रखकर उसको क्लासीफाई किया, कौन सी खूबी को सामने रखकर इसको क्लासिफाई, कलर के हिसाब से या हाइट के हिसाब से या व्हाट वाज द रीजन। तो वो है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल तरीके से जो स्ट्रक्चर्स बन जाते उनके हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है फंजाई को। तो उस हिसाब से ओल्ड कोर्स में 4 ग्रुप्स थे, अभी 3 कर दिया है, न्यू कोर्स में 3 ग्रुप्स हैं। पहले का नाम है ज़ाइगोमाइकोटा, नाम आपने याद रखना है। दूसरे का नाम है एस्कोमाइकोटा, तीसरे का नाम है बेसाइडियोमाइकोटा। अब जब आप लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले जब आप ये नाम लिखेंगे आपको इसका कॉमन नेम का भी पता होना चाहिए कि इसको हम लोग कंजुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं। मतलब आपने इधर लिखना है कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंजुगेटिंग फंजाई। ये आपने लिखना है कंजुगेटिंग फंजाई भी इसको हम नाम देंगे। तो ये इसका पहला पॉइंट आपके पास आ गया। क्यों कहते हैं कंजुगेटिंग, ये मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगा। नंबर 2, इस ग्रुप के अंदर कौन कौन से जानदार है, कौन कौन से फंजाई है, वो अपने नाम याद रखना है, उनका नाम याद रखना है, हिफ्ज करना है, चाहे जो भी है नाम को याद रखने के लिए, कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। क्योंकि ये नाम आप याद रखें तो MCQs में हो सकता है कोई एक आ जाए और आप डिसाइड करें कि ये किस ग्रुप से है, ठीक है। तो वो नाम है ब्लैक ब्रेड मोल्ड, जिसको हम राइजोपस कहते हैं, और न्यूकर। पॉइंट नंबर 3 आपने लिखना है कि ये जो फंजाई, ये अक्सर आपको कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, अक्सर ये बेकरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के ऊपर आपको मिलेंगे। ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा तो फिर उसको जाके ये ख़राब करते हैं, ठीक है। एंड देन पॉइंट नंबर 4 पर जब आप आ जाएंगे तो आपने ये लिखना है कि इस ख़ानदान का हाइफा किस तरह है। हाइफा के ऊपर हमने ऑलरेडी चैप्टर लेक्चर नंबर 1 में हमने हाइफा को डिस्कस किया हुआ है, टाइप्स भी पढ़े हुए। तो आपने देखना है इसका हाइफा कौन सा है। हाइफा जो, इसका जो हाइफा है वो है नॉन सेप्टेट या फिर एसेप्टेट हाइफा है इसका, जिसको आप कोइनोसाइटिक हाइफा भी आप कहते हैं, ठीक है, नॉन सेप्टेट एसेप्टेट। ये आपने बस नाम लिखना है, बात ख़त्म। उसके बाद आपने ये देखना है कि यह खानदान एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह करते हैं। आपने पॉइंट लिखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसका है बाय द हेल्प ऑफ स्पोर, ये स्पोर के जरिए जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। अकॉर्डिंग टू सम मोर सोर्सेस के ये कोनिडिया से भी करते हैं, लेकिन स्पोर बहुत ज़्यादा मशहूर है। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये ऑलरेडी मैं लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन में ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब आप अगर एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं तो जस्ट लिख बाय द हेल्प ऑफ स्पोर है, ठीक है। एंड नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में भी आपने 10 लाइंस, 15 लाइंस, जितना आपसे हो सके आप लिख सकते हैं। अब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लिखेंगे क्या, सवाल ये है। तो आइए ये थोड़ा सा मैं आपको तफसील में बताता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको डायग्राम लिखना होगा, हेडिंग देना होगा कि भाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। उधर आपने ये लिखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास 2 फंजाई होंगे, कितने 2 फंजाई होंगे। और अगर आप एक बिस्किट ड्रा करेंगे, कोई केक पीस ड्रा करेंगे तो भी ज़बरदस्त है, क्योंकि ये फंजाई अक्सर जो है उन्हीं के ऊपर ही आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ से हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं कि ये जो है ये इसका एक हाइफा है, एक स्पेशल किस्म का डंडी नमा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर स्पोरेंजियम है, यहाँ पर आपको स्पोर्स नजर आएंगे। ये तो एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक हाइफा नज़र आएगा, ठीक है, इस तरह का आपको एक हाइफा नज़र आएगा। ये जो हाइफा है इसमें क्रॉस वॉल नहीं है, सिर्फ आपको क्या नज़र आएंगे,
न्यूक्लियस नज़र आएंगे क्रॉस वाले, तो नॉन सेपरेट हाइफा है। अच्छा, इसको हम कहते हैं कि भाई ये प्लस स्ट्रेन है, ये एक फंजाई है, जस्ट वी कॉल इट प्लस स्ट्रेन। इसी तरह आप एक दूसरा फंजाई भी, आप इसका डायग्राम आप ड्रॉ करोगे, दूसरे फंजाई का डायग्राम भी आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। जब आप उसका डायग्राम ड्रॉ करोगे तो उसके बाद आपने करना क्या है, आपने उसको भी अपने एक हाइफा का ड्रॉ करना है, उसके लिए भी आपके पास एक हाइफा आएगा, ठीक है। ये जो है ये इसका अपना हाइफा है, और ये इसका हाइफा है, इसके अंदर भी आपको न्यूक्लियस नज़र आएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे न्यूक्लियस हैं, ये स्पोरेंजियम है और अंदर स्पोर्स है। ये तो एसेक्सुअल है, सेक्सुअल से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। और ये जो डंडी, इसका नाम क्या है, स्पोरेंजियो फोर। तो यहाँ पर आ जाए हाइफा की तरफ, एक प्लस स्ट्रेन एक माइनस स्ट्रेन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो पेरेंट यूज होते हैं, तो यहाँ पर दो फंजाई आएंगे, एक प्लस एक माइनस, कोई भी, ये प्लस माइनस या अपना माइनस प्लस, इसमें आप अपनी मर्जी से कहीं भी लगा दें। एक हार्मोन रिलीज होगा कि वो हार्मोन क्या करेगा, वो इस हाइफा के जो टिप्स हैं उसको एक दूसरे की तरफ ग्रो करना शुरू करेंगे, यानी ये हाइफा एक दूसरे के करीब आना शुरू करेंगे, ये हाइफा इस तरफ जाएगा और इसके करीब आएगा, साथ साथ ये जो टिप है ये गेमीट का शक्ल इख्तियार करेगा, ये जो टिप है ये गेमीट हो जाएगा, मिसाल के तौर पर इस तरह से। अच्छा, ये हो जाएगा इस तरह से, इसका शक्ल कुछ इस तरह से हो जाए, इसके अंदर अभी भी न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। तो अब आप इसको गेमिटेंजिया बोलेंगे, गेमिटेंजियम, ठीक है। ये इसका गेमीट हो गया और साथ साथ इसका भी अपना गेमीट बन जाएगा, ठीक है, इसका भी अपना गेमीट बन जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज गेमिटेंजियम। उसके बाद क्या होगा, ये मजीद करीब आकर एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्यूज हो जाएंगे। ये सेल है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, तो ये जो साइटोप्लाज्म है और ये जो साइटोप्लाज्म है, ये दोनों साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, अब इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा कि ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म और यहाँ से इसका साइटोप्लाज्म आकर इसके साथ इस तरह से फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप ज़रा देखिए, दो साइटोप्लाज्म आपस में आके फ्यूज हो गए, ठीक है, दो साइटोप्लाज्म आपस में आकर ऐसे फ्यूज हो गए। थोड़ा सा डायग्राम को मैं अच्छा कर देता हूँ। अब देखो, दो साइटोप्लाज्म जो फ्यूज हो गए, तो इसके अंदर अभी देखे ये जो दो न्यूक्लियस हैं वो अभी भी पड़े हुए हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी, इसको कहते हैं प्लाज्मोगेमी। अब इस खानदान के केस में फौरन साइटोप्लाज्म के बाद ये न्यूक्लियस भी आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। जब ये न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएंगे तो हमारे पास ये एक जाइगोट बनेगा, दिस इज नाउ कॉल्ड अ जाइगोट, जाइगोट। और ये क्या है, अब ये डिप्लॉयड है, जाहिर है दो न्यूक्लियस, आप पहले हैप्लॉयड था, अब ये डिप्लॉयड हो गया, टू एन मैंने लिखा। आफ्टर सम टाइम इस जाइगोट का जो ये दीवार है थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, जब ये इसका वॉल मोटा हो जाएगा तो इसको आप जाइगोट के बजाय जाइगो स्पोर का नाम देंगे, क्या नाम देंगे, जाइगोस्पोर का नाम देंगे। और इस जाइगोस्पोर, ये कब बना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बना, इस जाइगोस्पोर की वजह से इसका खानदान नाम रखा गया जाइगोमाइकोटा। और ये चूंकि दो फंजाई उसी के साथ करीब आ रहे हैं, अपना डीएनए एक्सचेंज कर रहे हैं, इसीलिए इसको कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, जैसे कि कॉन्जुगेशन इज अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सम एनिमल्स, इन सम ऑर्गेनिजम्स, सो इन सम ऑर्गेनिजम्स। सो ये भी थोड़ा सा चूंकि कॉन्जुगेशन टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसीलिए इसको कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कहा जा रहा है। तो मैंने कहा था मैं आपको बात बताऊंगा, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जब ये जाइगोट बना, जाइगोस्पोर, इससे एक नया हाइफा जो है वो निकल जाएगा। लेकिन याद रखिए, जो नया हाइफा है इसके अंदर जो भी न्यूक्लियस आएगा, अब वो अपने आप को मियोसिस के जरिए फिर से क्या करेगा, हैप्लॉयड कर देगा। तो ये सारे इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियस अभी आएंगे, जैसे ये ग्रो करेगा, न्यू हाइफा होगा, इसमें एक ही न्यूक्लियस होगा और वो अपने आप को हैप्लॉयड किया होगा मियोसिस के जरिए। तो कोई भी लफ्ज डाइक्यूरेटिक वाला लफ्ज यहाँ पर नहीं है, नो वर्ड ऑफ डाइक्यूरेटिक हाइफा। जो लफ्ज डाइक्रेटिक हाइफा है वो आपको उन दो खानदान में आपको नजर आएगा, डाइक्रेटिक हाइफा, लेकिन इधर आपको नजर नहीं आएगा। साथ ही साथ यहां पर आपको इस तरह का कोई
फ्रूटिंग बॉडी का लफ्ज इधर आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन बाकी केस में आपको फ्रूटिंग बॉडी का लफ्ज आपको नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर जो आपको फ्रूटिंग बॉडी का नजर नहीं आएगा, और जाहिर है इसके ऊपर फिर से क्या बनेगा, स्पोरेंजियम बनेगा, उसके अंदर स्पोर्स होंगे, ये स्पोर्स फिर से गिरकर एसेक्सुअल सी तरीके से अपने बच्चे दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सेक्सुअल तरीके से भी बच्चे आ रहे हैं और एसेक्सुअल तरीके से भी बच्चे आ रहे हैं। ये वो आयत खानदानी क्लासिफिकेशन फंजाई में जिसको मैंने इलस्ट्रेट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये जो दूसरा और तीसरा खानदान है इसके अंदर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि इससे पहले आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपको शुरू में ही एक वीडियो नजर आएगा जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, और उसमें मैंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसके अंदर किस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इसके अंदर किस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो आप जब भी ये लेक्चर देखेंगे आप जरूर जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई की तरफ, क्योंकि मैंने उसको बड़े अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं आपके लिए आज क्या बताने जा रहा हूं, जब आप आ जाएंगे दूसरे नंबर पर एस्कोमाइकोटा की तरफ, तो एस्कोमाइकोटा का एक दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम भी है, उसका नाम आपने लिखना है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेक फंजाई, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेक फंजाई। रीजन मतलब अगर आपसे सवाल पूछा जाए एग्जाम में कि व्हाई दे आर कॉल्ड सेक फंजाई, तो हम कहेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इनके अंदर सेक लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, इसका नाम एस्को स्पोर्स है, इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने सेक फंजाई रखा गया है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं कॉपी उठाकर कि व्हाई दे आर कॉल्ड सेक फंजाई, हम लिखेंगे बिकॉज ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे फॉर्म अ सेक लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड विच स्पोर्स आर प्रेजेंट, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एस्को सेक फंजाई। अच्छा, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होगा, लार्जेस्ट ग्रुप है फंजाई के, मतलब बहुत सारे खानदान में लार्जेस्ट ग्रुप ये है, 30,000 इसके स्पीशीज हैं। अब आपने देखना है कौन कौन से फंजाई इस खानदान के अंदर है, अब नाम याद रखना है, यीस्ट कितना मशहूर है, कितना मशहूर फंजाई है, कितना कॉमन यूजेज इसका कितना ज़्यादा है, और याद रखिए यीस्ट वो वाइट फंजाई जो सिंगल सेल है, बाकी तो फंजाई देख रहे हैं वो मल्टी सेलर भी है, मल्टी न्यूक्लियर भी है, लेकिन ये सिंगल सेल है। इसके अलावा आपको नाम याद रखना चाहिए मोरेल्स, ट्रफल्स, ये नाम आपने याद रखना है, लाजमी याद रखना है, क्योंकि ये आ जाएगा आपको बताना चाहिए कि ये किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। आ जाए ट्रफल्स बिलोंग्स टू ऑप्शन नंबर 1, B, C, D, तो आपने डिसाइड करना है। इसका हाइफा किस तरह का होगा, इसका जो हाइफा है वो है सेप्टेट हाइफा, तो ये आपका पॉइंट नंबर 3 हो गया, आपने लिखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है वो आपने सिर्फ इसके सामने लिखना है कि इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है बाय कोनिडिया, और कोनिडिया का जिक्र मैं लेक्चर नंबर 1 में कर चुका हूं। इसके अलावा बडिंग भी है, बडिंग फंजाई के अंदर स्पेशली स्पेसिफिकली यीस्ट के अंदर होता है, यीस्ट अपने आप को किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बडिंग। बडिंग में क्या होगा, एक एक जानदार, एक सिंगल सेल, अगर सिंगल सेल जाना है उसके साइड पर एक छोटा सा बड प्रोड्यूस हो जाएगा, वो बड इसके जिस्म से सेपरेट होकर के फिर से एक नया पेरेंट बन जाएगा, सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज बडिंग। अपने से दो पॉइंट लिखना है, कोनिडिया एंड बडिंग इज इनफ। अब आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, मैं ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इस पर 20-25 मिनट अभी खर्च नहीं करूंगा, क्योंकि ये है वैसे भी 20-25 मिनट का लेक्चर, लेकिन मैं ऑलरेडी इसके ऊपर मैं डिस्कशन कर चुका हूं। अब कौन कौन से पॉइंट इसमें आएंगे कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह के दो हाइफेक्स के साथ करीब आएंगे, सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगा, प्लाज्मोगेमी होगा पहले, प्लाज्मोगेमी के बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम लेंथी टाइम इसमें हमारे पास आएगा सेकेंडरी माइसीलियम जिसे हम लोग बोलते हैं, सेकेंडरी माइसीलियम भी बोलते हैं, और उसको डाइकेरियोटिक हाइफा भी बोलते हैं, डाइकेरियोटिक हाइफा। अब मुझे खुशी है, मुझे खुशी इसलिए है क्योंकि जब मेरा स्टूडेंट इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लेक्चर में चले जाएंगे तो इंशाल्लाह वहां पर उसको पता चल जाएगा व्हाट इज मी माय डाइकेरियोटिक हाइफा। तो आपने लिखना है कि प्लाज्मोगेमी के दौरान इनका हाइफा जो है जब जैसे ही यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर तो हाइफा जो बना था उसमें न्यूक्लियस फ्यूज हुआ था, लेकिन इसके केस में
एक तो क्रॉस वॉल होगा और एक न्यूक्लियस पड़ा होगा और दूसरा न्यूक्लियस भी पड़ा होगा, दो के दो न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, फ्यूज नहीं हुए हैं। इस तरह का हाइफा जिसमें दो न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हों और दो डिफरेंट न्यूक्लियस पड़े हों, दैट इज दैट हाइफा इज कॉल्ड डाइक्रिटिक हाइफा। तो यहाँ पर डाइक्रिटिक हाइफा है, यानी यहाँ पर प्लाज्मोगेमी के बाद फौरन कैरियोगेमी हुआ, यहाँ पर सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगा, फिर एक लेंथी स्टेज होगा डाइक्रिटिक हाइफा का, उसके बाद कैरियोगेमी होगा, बाद में लेटर ऑन वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कैरियोगेमी आएगा। कैरियोगेमी के बाद हमारे पास क्या बनेगा, कैरियोगेमी के बाद हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा, सेक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं एस्कस, सेक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं एस्कस। ये जो एस्कस है इसके अंदर 8 स्पोर्स होंगे जिसका नाम है एस्को स्पोर्स। अगर आप इस टॉपिक को रियली एंजॉय करना चाहते हैं तो आप वहां जरूर चले जाइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। जिस स्टूडेंट को, जिसने वो वीडियो नहीं देखा हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो उसको यहां पर कंफ्यूजन होगा ये सर क्या कह रहे हैं। सो प्लीज आप पहले वहां पर चले जाएं। एस्कस के अंदर 8 एस्को स्पोर्स बनेंगे और बहुत सारे एस्कस, मेनी एस्कस ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे। उस फ्रूटिंग बॉडी का नाम है एस्को कार्प। यहाँ तक आपने लिखना है, जब भी ये इसके बारे में आप एग्जाम में लिखना शुरू करोगे तो आपने लिखना है फर्स्ट प्लाज्मोगेमी विल बी देयर अ डाइक्रिटिक हाइफा, देन कैरियोगेमी, देन सेक लाइक स्ट्रक्चर, इनसाइड द सेक लाइक स्ट्रक्चर 8 स्पोर्स होंगे, बहुत सारे सेक लाइक स्ट्रक्चर को फ्लोटिंग बॉडी हम लोग एस्को कार्प कहते हैं और ये आपको उस वीडियो में नजर आएंगे। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है, थर्ड ग्रुप जो है उसका नाम है बेसाइडियोमाइकोटा। इसके बारे में अपने कॉमन नेम याद रखना है क्लब फंजाई। इसको क्लब फंजाई क्यों कहते हैं तो सुन ले, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एक क्लब नमा स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज क्लब शेप स्ट्रक्चर। यहाँ पर सेक लाइक से बना था, इस यहाँ पर क्लब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो सेक है, सेक को एस्कस बोलते हैं, यहाँ पर जो क्लब नमा स्ट्रक्चर है उसको बेसाइडियम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने रीजन देना है और इसके अंदर भी स्पोर्स होंगे, सॉरी बाहर स्पोर होंगे। इसके बाद आपने ये याद रखना है कि एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि ये अक्सर पैथोजेनिक जो फंजाई है जो हमारे फ्रूट्स को ख़राब करते हैं, फसलों को ख़राब करते हैं, रस्ट और स्मट, बड़े बदमाश किस्म के फंजाई है, ये इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, रस्ट एंड स्मट। तो ये आपके लिए एम सी क्यूज आ गया। उसके बाद मज़ीद कौन कौन से फंजाई है, एगारिकस, पक्सिनिया, यूस्टिलिगो। ये पक्सिनिया और यूस्टिलिगो दरअसल रस और स्मट का दूसरा नाम है, साइंसी नाम है पक्सिनिया एंड यूस्टिलिगो, डोंट वरी, ये ठीक है, रस्ट, पक्सिनिया, स्मट, यूस्टिलिगो। मशरूम जिसे हम और आप लोग खाते पीते हैं, मतलब अक्सर आपने देखा होगा मशरूम, ये मशरूम भी यहाँ से ताल्लुक रखते हैं, पफ बॉल ब्रैकेट फंजाई, ये सारे के सारे इस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। और याद रखिएगा ये सबसे फेमिलियर फंजाई है, वो सबसे अबंडेंट फंजाई था, ये सबसे फैमिलियर है, लोग बहुत ज्यादा इसको जानते हैं, फैमिलियर फंजाई है, ठीक है। इसका हाइफा किस तरह का होगा, इसका जो हाइफा है वो फिर से क्या है हमारे पास, सेप्टेट हाइफा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका किस तरह से, कोनिडिया है, ये आपके पॉइंट साथ साथ लिख रहे हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या लिखना है, फिर से मैं जैसे मैंने कहा था उस वीडियो में आप चले गए होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई बाय डॉक्टर हादी इन उर्दू हिंदी, वो आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो मैं सिर्फ वहां से, उस वीडियो से कुछ पॉइंट्स निकाल के आपके सामने यहां पे लिख लेता हूं कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास सबसे पहले क्या होगा भाई, हमारे पास सबसे पहले होगा प्लाज्मोगेमी होगा, उसके बाद क्या होगा, एक लेंथी डाइकैरियोटिक हाइफा बनेगा, उस वक्त उसको सेकेंडरी माइसीलियम भी कहेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास होगा कैरियोगेमी, यानी न्यूक्लियस भी बाद में फ्यूज हो जाएंगे। जब न्यूक्लियस बाद में फ्यूज हो जाएंगे तो जिस तरह यहां पर एक थैलेनमा स्ट्रक्चर बना था एस्कस, तो यहां पर बनेगा बेसीडियम बनेगा। जिस तरह यहां पर 8 एस्को स्पोर्स बने थे, वहां पर 8 का लफ्ज नहीं है, नंबर नहीं है, वहां पर बनेगा बेसाइडियो स्पोर्स बनेंगे।
इस तरह या पर एस्को स्पोर्स बने थे वहाँ पर बेसेडियो स्पोर्स बनेंगे। इसी तरह से बहुत सारे एस्कस को फ्लोटिंग बॉडी कहते हैं, तो यहाँ पर मेनी मेनी बेसाइडियम को हम क्या नाम देंगे, मेनी बेसाइडियम को हम नाम देंगे क्या नाम देंगे, मेनी बेसाइडियम को हम नाम देंगे फ्रूटिंग बॉडी। जिस तरह इस फ्रूटिंग बॉडी को अपने एस्कोकार्प का नाम दिया था, तो इसका नाम होगा बेसाइडियो कार्प। खाली अपने कार्प का लफ्ज के साथ ऐड करना है, बेसाइडियम तो पहले से हो के आ रहा है, बेसाइडियम बेसाइडियो स्पोर्स बेसाइडियो कार्प एस्कस एस्को स्पोर एस्कोकार्प, तो बेसाइडियो कार्प। तीन चीजें आपने ये नाम याद रखनी है, एस्कस एस्को स्पोर एस्कोकार्प, बेसाइडियम बेसाइडियो स्पोर बेसाइडियो कार्प। तो आपने देखा यहां पर जो स्पोर्स बन रहे हैं बेसाइडियो स्पोर, ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूस स्पोर्स हैं, वहां पर जो आपने देखा था वो एसेक्सुअल स्पोर्स थे। तो इसके साथ ही बड़े अच्छे अंदाज से हमने फंजाई को क्लासिफाई किया और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने बता दिए। अब जब आप लिखना शुरू करेंगे तो खासकर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आपने फोकस देना है कि व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये कुछ पॉइंट्स होंगे। उसके बाद इस 10-15 लाइनें अपने यहाँ पर लिखनी है, 10-15 लाइनें अपने इसके लिए लिखनी है, आपको इंशाल्लाह बेस्ट से बेस्ट मार्क्स मिल जाएंगे। लेक्चर पसंद आ गया हो तो हमें लाइक ज़रूर दीजिएगा। और इससे पहले मैं आपको एक स्पेशल बात आज का लेक्चर में आखिर में आपको ये बताना चाहूँगा कि अपने लाइफ को हमेशा इस सोच से मत गुजारा करें कि यार मैं अच्छा करूँगा, मैं किसी के साथ इसलिए अच्छा करूँगा ताकि रिटर्न में भी मेरे साथ अच्छा हो जाए। ये सोच को आज से फेंक दें। वन, खासकर अपने रिलेटिव्स में जो आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं वहाँ पर लोगों के साथ आप रबते को काटना बंद कर दे, रबते रखे लोगों के साथ कम अज कम जो आपके साथ जब से जितना आपसे एलर्जी है, जो आपको बुरा भला कहते हैं, आपके रिश्तेदार में भाई है कज़न है खाला है मामूजार इधर उधर, इनके अंदर कटिंग आप छोड़ दें। रिश्ता तोड़ना नहीं, एटलीस्ट छोटा सा सलाम दुआ रखा करें, दूर सलाम दुआ रखा करें, आपका रिलेशन बिगड़ जाएगा वरना आपका आखिरत ख़राब हो जाएगा। मेरे लिए ये पॉइंट आप स्पेशली याद रखिएगा, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस पे अपान हज़रत मोहम्मद पीस पे अपान हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी मैसेंजर, उसने भी ये बात कही है कि रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। सो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, यही छोटी छोटी बातें जो हमारे और आपके लिए ज़रूरी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।